तो हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये वीडियो में आपको अपना क्लोज रेंज एंड रिफ्लेक्सेस कैसे स्ट्रांग करने वो ड्रिल्स बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा वे मैं नहीं करा, तो आप सभी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर अपने क्लोज रेंज एंड रिफ्लेक्सेस अगर स्ट्रांग करने हैं तो ये वाला ड्रिल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे दोनों के बीच में खड़े रहना है। एंड आपको M4 के 40 बुलेट्स के अंदर ये सब जो एनिमीज है ना, ये जो सामने बोर्ड्स दिख रहे हैं आपको, इन सबको 40 लोडिंग में आपको सबको मारना है। देखिए, तो गाइस इस वाले ड्रिल से आपको क्या मतलब, आपका ना हिप फायर जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। तो इससे आपके रिफ्लेक्सेस एंड स्प्रे भी थोड़े स्ट्रांग होंगे। तो एंड ये आपको अगर आप कंपिटिटिव प्लेयर्स हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये ड्रिल्स आप ट्राई कर सकते हैं। ये वाले जो ड्रिल से आपको डेली ट्रेनिंग राउंड में 1.5 घंटा, ये जो सब ड्रिल्स बता रहा हूँ उनमें, वो 1.5 घंटा आपको सब के सब ड्रिल्स एक साथ कर देने हैं। तो ये ऐसा अगर आप करोगे ना, तो आपका 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा वाला स्किल्स एंड क्लोज कॉम्बैट आपका ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। और बहुत सारे जन मेरे को पूछ रहे थे कि रिफ्लेक्स की ड्रिल्स बताओ, तो ये ले लीजिए, मैं आपके लिए रिफ्लेक्स वाले ड्रिल्स ला चुका हूँ। कैसे रिफ्लेक्स दे, कैसे आप गाड़ी में से बंदे उतर सकते हैं, तो अभी देखिए। आपको यहाँ पे ना सामने जो जितने भी डैशबोर्ड दिख रहे हैं ना, उनको सब में 40 गोली के अंदर सब में एक एक करके एक्यूरेट हेड पे स्प्रे देना है, ठीक है? तो आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाले जो जगह है ना, यहाँ पे आके अपना क्लोज कॉम्बैट जो हिप फायर रहता है ना, वो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है? तो अपन आप लोग अगर कस्टम है, अगर अपने को 1v1 जीतना है, तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट अपनी, पहली बात तो जॉयस्टिक एकदम फास्ट चलने होना चाहिए, मूवमेंट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए। ये अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% तुम्हारा। स्प्रे की प्रैक्टिस करने के लिए तुमको यहाँ पे पहाड़ जो रहता है ना, वहाँ पे एक सिंगल पेड़ पे कंटिन्यूस फायर देके रहना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा हो सके उतना रिकॉल कंट्रोल करने का ट्राई किया करो। बहुत बंदे मेरे को बोलते हैं कि हम जब कंपाउंड पे स्लैम इन देते, जो पुश करते वहाँ पे, हम मतलब वहाँ पे हम फाइट नहीं जीत पाते, प्रॉपर 1v1 नहीं ले पाते, जब पुश करते वहाँ पे दिक्कत आता है। तो अभी यहाँ पे देखो, आपको जब भी पुश कर रहे हो ना कंपाउंड पे, तो उधर जहाँ पे आपको बताया कि एक विंडो है और ब्रोकन वाले, वहाँ पे आप ADS रखो। एंड जैसे मतलब आप ADS रखो, जहाँ से वहाँ पे बंदा आता है, वहाँ पे आपको स्कोप ओपन करके सीधा उस पर हेड पे लगे गोली। ये वाला जो ड्रिल्स है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स में काम आने वाला है, ये आपके बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स स्ट्रांग करेगा। तो ये ड्रिल्स आपको लगभग 1/2 घंटा करना है, ठीक है? गाइस यहाँ पे मैं अपना वॉइस ओवर बंद करता हूँ। आप ये ड्रिल्स डेली 1.5 घंटा ट्रेनिंग राउंड में अगर ट्राई करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ ऑल आपका क्लोज रेंज एंड जो रिफ्लेक्सेस है आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको दोबारा, ठीक है? गुड बाय।